जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज जैसे कि टॉपिक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि आज मैं चर्चा करने वाला हूँ प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदूषण का मतलब होता है कि पर्यावरण में जो अनावश्यक कण बढ़ जाते हैं या पर्यावरण को जिससे हानि हो, वही क्या है, प्रदूषण है। तो प्रदूषण के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे देश में बहने वाली नदियों का क्या हाल है, हमारे देश में जितने भी जल स्रोत हैं उनका क्या हाल है, जहाँ पर नदियों को पूजा जाता है वहाँ पर नदियों का क्या हाल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अविरल गंगा की धारा, पवित्र, सबको मोक्ष प्रदान करने वाली, सबको सुखमय बनाने वाली आज जो गंगा की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। सरकार तमाम तरह की कोशिशें भी करती है, लेकिन सरकार की कोशिशें तभी कामयाब होगी जब सरकार बनाने वाली जो जनता है उसमें जब तक वो सहयोग नहीं करेगी। तो इसलिए जनता को भी चाहिए, जितना सरकार जिम्मेदार है उतना जनता भी जिम्मेदार है किसी भी प्रदूषण के लिए। सरकार यदि कोई नियम बनाती है तो उसका पालन करना किसका काम है, जनता का काम है। हालांकि इसके इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो पहले हम चर्चा करने वाले हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। पहले हम बात करेंगे जल प्रदूषण। पहले जल से शुरुआत करते हैं। कहा गया है ना कि जल ही जीवन है, और जीवन को यदि बचाना है, यदि जीवों को बचाना है तो उसके लिए जल को बचाना अति आवश्यक है। जल को बचाना इसलिए आवश्यक हो जाता है बच्चे, क्योंकि जल ही जीवन इसलिए कहा गया क्योंकि अगर वैज्ञानिक के स्रोत से चले तो जीवन की जो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ होगी, जल में होगी। क्योंकि जल में वो सारे कंडीशन, वो सारी व्यवस्थाएं हमको मिल जाती हैं जो एक जीव के लिए चाहिए। इसीलिए तो मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल होता है। कितना, 70% जल होता है। अगर उसका 70 किलो या 60 किलो उसका वजन है तो कम से कम उसमें 70% क्या है, वाटर है। बाकी 30% जो बच रहा है वो क्या है, अदर चीज हो सकता है, कितनी मात्रा है। इसलिए पानी बहुत जरूरी है। और पृथ्वी पर जीवन होने का जो कारण है वो जैसे ऑक्सीजन तो है ही, ग्रेविटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पौधे और जंतुओं दोनों के लिए जरूरी है वो है जल। क्या है, जल। तो जल में प्रदूषण का कारण क्या है, जल में प्रदूषण का कारण ये है कि पहले तो हमें समझना होगा कि जो जल है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना महत्व रखता है। आप ऐसे कई क्षेत्र देख लें, कई ऐसे स्थान देख लेंगे जहाँ पर आपको दूर दूर तक जल नहीं मिलता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर जिसको खूब जल मिल रहा है, खूब पानी की उपलब्धता खूब है, तो क्या करता है, बेपरवाह पानी को इधर उधर बहाता रहता है, पानी की कीमत नहीं। अब रही बात जल प्रदूषण का, तो जल प्रदूषण होने के कारण है कि चाहे अब जो भी जल के स्रोत हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे समुद्र हो या झरना हो या तालाब हो। पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि तालाब अगर देख लिया जाए तो तालाब का पानी ही इतना स्वच्छ हुआ करता था, सोचो नदियों का पानी कितना स्वच्छ हुआ करता होगा। तो धीरे धीरे बढ़ती मानव की आबादी ने क्या किया कि जल को दूषित करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे जल को हम दूषित करते जा रहे हैं तो तमाम प्रकार की बीमारियां क्या है वो बढ़ती जा रही है। तो जल प्रदूषण का पहला कारण क्या है कि फैक्ट्रियों के द्वारा जो भी निकलना, जो भी वेस्ट पदार्थ होता है, जो कारखानों के द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होता है, वो क्या होता है कि कहीं कहीं इलीगल तरीके से क्या होता है कि बिना ट्रीटमेंट के वाटर को जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है नालों के माध्यम से। तो इस तरह से क्या होती है, नदियां धीरे धीरे दूषित होती चली जाती है। फिर उसके अलावा नदियों को बहुत से लोग उसमें जो कि उसमें स्नान करते हैं, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन क्या है कि जब उसमें स्नान करें तो उसमें साफ सफाई का भी तो ध्यान रखें। अब उसमें कपड़ा छोड़ दिया, पॉलीथीन छोड़ दिया, बैग छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, जल तो दूषित होगा ही होगा। इसलिए सरकार को और प्रशासन को और खास करके सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो है कि आप अपना फर्ज निभाने से बिल्कुल ना चूके।
नदियों में दूषित होने के कारण उसमें से मरे हुए जानवर उसमें फेंक दिए जाते हैं, पॉलिथीन फेंक दिया जाता है, पूजा पाठ करने के बाद जो भी सामग्री होती है वो नदियों में प्रवाहित कर दी जाती है, फैक्ट्रियों से जो भी चीजें होती है वो नदियों में आके मिल जाती है, तो क्या होगा? नदियां तो दूषित होंगी, जब नदियां दूषित होंगी तो क्या होगा? उसमें रहने वाले जीवों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पानी का ब्यूरी लेवल कम हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, इस कारण से बहुत सारी मछलियों की क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। आए दिन हम पेपर में अखबार में देखने को हमको मिल जाता है। अब ये तो रहा प्रदूषण का कारण, लेकिन अब प्रदूषण मतलब जल को दूषित होने से बचाना कैसे है? तो दूषित होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें नदियों के किनारे इस तरह की व्यवस्था करनी होगी ताकि जो भी फैक्ट्रियों के द्वारा जो भी पानी आ रहा है उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो, तब जाके नदियों में पानी छोड़ा जाए। इसके अलावा जो पॉलीथीन है या तमाम चीजें फूल माला जो भी चीजें वो नदियों में फेंकना वर्जित किया जाए, मतलब उसको फेंकने से मना किया जाए, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसी लिए कोई कानून बनाना चाहिए ताकि नदियां हमारी दूषित होने से बचे। और इसीलिए तो कहा गया कि जल है तो कल है, अगर जल ही नहीं है तो आपका फ्यूचर क्या होगा, आपकी लाइफ क्या होगी। इसके अलावा बात करते हैं वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण का मुख्यतः कारण क्या है कि बढ़ते हुए जितने भी कारखाने हैं उनसे निकलने वाले चिमनियों से जो धुएं होते हैं, इसके अलावा बात करते हैं कि ऐसी क्या बोलते हैं उसको, अरे भैया जिससे ठंडा ठंडा हवा मिल जाता है ना, एसी, एसी तो है ही, फ्रीज से भी ना ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए उसमें से निकलने वाली जो गैसें होती है ना वो हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। लेकिन आदमी की चेतना तब जगती है जब उसके ऊपर कोई समस्या आया, जब उसके ऊपर कोई दिक्कत आता है तब उसकी चेतना जगती है, और चेतना जगती है कि भैया इसका समाधान अब ढूंढना चाहिए। लेकिन तब साइंस कब से कह रहा है कि इस चीज़ पर कार्य करना चाहिए, कि धीरे धीरे जो है कि इनको बचाना चाहिए। तो भारत में एक थोड़ी सी समस्या ये है लोगों की कि उनके ऊपर जब विपदा आती, मतलब खुद के ऊपर जब आएगी तब लगेगा यार दुनिया में बड़ी परेशानी है, कैसे इसका समाधान निकलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। उनको ये समझना है कि दुनिया में बड़ी परेशानी है, कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा ना, जब उनके ऊपर खुद के ऊपर। तो वही लिख कहा गया है ना कि आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा। संसार की बुराइयां तभी नजर आती हैं जब आपके ऊपर कुछ बुरा हो, और आपके साथ अगर अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, और लोगों की समस्याएं आपको बहाना लगती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं जब वो खुद के ऊपर बीतेगी तो। लेकिन खुद के ऊपर क्या बीती है किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं, उसे तो लगे कि बस तो कोई भी समस्याओं से खाली है ही नहीं, ठीक। तो हम चर्चा कर रहे थे वायु प्रदूषण का, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है कि बढ़ती हुई चिमनियाँ फैक्ट्रियाँ, उसके कारण जो भी पराली वगैरह जो जलाया जाता है उसके द्वारा निकलने वाला जो धुआं है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब के बढ़ने के कारण जो क्या होता है कि धीरे धीरे वायु में, ठीक है, स्मॉग का फॉग का इनकी मात्रा धीरे धीरे मिलती जा रही है, जिससे वायु क्या है धीरे धीरे दूषित होती जा रही है। वायु और जल के दूषित होने से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे जल द्वारा क्या हो सकता है कि आदमी को अगर दूषित जल होता है तो टाइफाइड हो सकता है, और जहाँ पर दूषित जल होता है वहाँ मच्छर पाए जाते हैं, और क्या होते हैं कि वो मलेरिया जैसे खतरनाक रोगों को पैदा कर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो नदियों का जो स्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, कई ऐसी नदियां होती है ना जो धीरे धीरे सूख जा रही है, और वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारी होती है खास तरह की सांस की बीमारी होती है, उसके अलावा टीबी हो सकती है, ये तमाम प्रकार की दमा ना दमा जो सांस की बीमारी है वो बड़ी खतरनाक होती है जो वायु प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। वायु प्रदूषण प्रभाव डालता है किसके ऊपर, जो हमारे देश में बनी इमारतें हैं उसके ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे हम जो समझ में आता है जो चीज करना चाहिए वो है कि जैसे कि पेड़ पौधों की जो कटाई है वो दिन ब दिन करती मतलब बढ़ती जा रही है, तो इसलिए पेड़ पौधों को काटने से रोकना होगा, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। पेड़ पौधों को लगाने से क्या होगा, क्योंकि वायुमंडल में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी धूल कण होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं, बारिश करने में सहायता करते हैं, और ये तमाम प्रकार के पेड़ पौधों से लाभ है। इसलिए पेड़ पौधे
एक तरह से हमारे पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि बातें तो सब कर लेते हैं कि पर्यावरण को बचाना है, जल बचाना है, वायु को करना है,